वी आर गोइंग टू सॉल्व दिस नेक्स्ट क्वेश्चन, मेक एरे कॉन्सिक्यूटिव टू. ओके, सो ये वाला क्वेश्चन समझने के लिए बहुत ट्रिकी है. सो हियर दे आर गिविंग अस एरे. ओके, सो दिस इज एन एरे. सो इस एरे को हमें कन्वर्ट करना है. ये वाला भंगार पार्ट है रीड करने के लिए, वो अच्छा नहीं लगेगा मुझे रीड करना. तो हमें इस एरे को, अभी ये वाला एरे है, इस एरे को हमें ऐसे कन्वर्ट करना है. अभी हमें ऐसे कन्वर्ट करना है, मीन्स कन्वर्ट करना बाद में है, बट हमें ये जो काउंट फाइंड करना है ना, वो कैसा फाइंड करना है वो दिखाता हूँ मैं. अगर हमने इस एरे को स्मॉलेस्ट नंबर से, मीन्स जैसे हम सॉर्ट करते हैं वैसे हमने सॉर्ट कर लिया. सॉर्ट करने के बाद जब हम हर एक एलिमेंट चेक कर रहे हैं, ओके, सो इफ आई एम चेकिंग फॉर दिस एलिमेंट, जो भी इस एलिमेंट का प्रीवियस एलिमेंट होगा, मीन्स तीन, अभी थ्री का प्रीवियस एलिमेंट कौन सा है, टू, वो उस दोनों के, उन दोनों में डिफरेंस होना चाहिए ओनली वन. सो वन वन एग्जैक्टली बाय वन. ओके, सो ईच स्टेट विल बी बिगर देन द प्रीवियस वन एग्जैक्टली बाय वन. ओके, प्रीवियस वन बाय एग्जैक्टली वन. ओके, अभी सिक्स और तीन में कितने डिफरेंस है, तीन का डिफरेंस है, तो हमें सिर्फ एक का डिफरेंस चाहिए. मीन्स वी वॉन्ट ओनली डिफरेंस वन. देन आई विल इंक्रीमेंट दिस थ्री टू फाइव. ओके, तो इस थ्री को फाइव तक कन्वर्ट करने के लिए हमें कितने ऐड करने पड़ेंगे, दो नंबर्स ऐड करने पड़ेंगे, तो तब हमारा कंडीशन सेटिस्फाई होगा, फाइव और सिक्स आएगा. तो ये वाले दो हमने ऐड कर लिए. अभी हम इस एट का स्टेट देखेंगे, तो एट और सिक्स में कितना डिफरेंस है, टू का डिफरेंस है, बट वी वॉन्ट द डिफरेंस ओनली वन. सो इसको मैनेज करने के लिए आई वॉन्ट टू डू दिस सिक्स को हमें सेवन करना है. तो अभी हमें क्या करना पड़ेगा, ओनली वन ऐड करना पड़ेगा, बिकॉज सिक्स था, सिक्स में अगर हम वन ऐड करेंगे तो हमें सेवन मिल जाएगा, तो कंडीशन सेटिस्फाई होगा. और लास्टली ये वाला थ्री मिल जाएगा. ओके, तो सेम टेस्ट केसेस, अभी जीरो और थ्री, तो जीरो और थ्री में कितना डिफरेंस है, अभी ये सॉर्टेड ही है, जीरो और थ्री में कितना डिफरेंस है, तीन का डिफरेंस है, बट हमें क्या चाहिए, अभी हम इस कंडीशन को टेस्ट कर रहे हैं थ्री वाले, तो इधर प्रीवियस में क्या होना चाहिए, टू होना चाहिए, बिकॉज दोनों में डिफरेंस क्या होना चाहिए, ओनली वन. सो इस जीरो को टू करने के लिए हमें कितने ऐड करने पड़ेंगे, टू ऐड करने पड़ेंगे. तो लाइक दैट, सो हियर दे आर पासिंग द लिस्ट. ओके, तुम इस इनपुट को देख लो, आपको पता चल जाएगा. ओके, सो हियर दे आर पासिंग द लिस्ट दैट इज ऑफ स्टैचूज. ओके, सो नाउ आई विल मेक दिस स्टैचूज. इस स्टैचूज को हम डायरेक्टली सॉर्ट कर देंगे. ओके, स्टैचूज डॉट सॉर्ट. तो इसके बाद अपन प्रिंट कर लेते हैं, यस. ओके, तो डिबग करते करते जाएंगे. तो अभी इस जो भी नया सॉर्टेड आ रहा है, ओके, सॉर्ट हुआ है कि देखेंगे. सो कंसोल आउटपुट नो. सो व्हाट इज द थिंग यार, स्टैचूज डॉट सॉर्ट. सो फिर से मैं इधर स्टैचूज ही लेता हूँ, स्टैचूज. तो अभी डिबग होना चाहिए, अभी रन होना चाहिए कंसोल. तो इसके बाद हमें हो गया क्या भाई, या इट इज सॉर्टिंग, अभी सॉर्ट हो गया. तो अभी हमें इस इधर से चेक करना पड़ेगा हर एक स्टैचू की कंडीशन. ओके, मीन्स उसका प्रीवियस कितना डिफरेंस है, और हमें काउंट बढ़ाना है उसके हिसाब से. तो मैं एक काउंट लेता हूँ, काउंट इज इक्वल टू जीरो. नाउ आई विल इटरेट दैट स्टैचू. ओके, फॉर आई इन रेंज. तो रेंज के हिसाब से अपन इटरेट करेंगे. तो रेंज कब तक इटरेट करना है हमें, लेंथ ऑफ स्टैचूज. ओके, स्टैचूज आ गया क्या, बट हमें इटरेट कहाँ से करना है, वी हैव टू स्टार्ट इटरेटिंग फ्रॉम वन, बिकॉज फ्रॉम दिस पोजिशन वी आर गोइंग टू चेक द कंडीशन. ओके, फ्रॉम दिस पोजिशन, सो आई विल स्टार्ट दैट फ्रॉम वन. ओके, तो अभी हमें काउंट बढ़ाना, मीन्स हमें क्या फाइंड करना है, हमें काउंट फाइंड करना है, मीन्स हमें कितने ऐड करने पड़ेंगे कंडीशन सेटिस्फाई करने के लिए. तो उसके लिए मैं अभी c इज इक्वल टू c प्लस, इसमें हम ऐड करेंगे, कितना ऐड करेंगे, जो भी हमारा अभी स्टैचूज है, स्टैचूज ऑफ i. ओके, तो i हमारा पहले टाइम में क्या होगा, वन. ओके, मीन्स थ्री.
स्टैचूज ऑफ आई माइनस स्टैचूज ऑफ आई माइनस वन, ओके, मीन्स वी आर टेकिंग द डिफरेंस बिटवीन दीज टू नंबर्स, ओके, थ्री माइनस टू कितना होगा, जीरो, सॉरी थ्री माइनस टू वन, क्या भाई मैं भी गलत चल रहा है अपने दिमाग, ओके थ्री माइनस टू इज इक्वल टू वन, तो ये वाला में हमें ऐड करना नहीं है, तो ये वाला कंडीशन सेटिस्फाई होगा. बट व्हेन वी सी दैट इन द नेक्स्ट केस वी आर वी विल गेट द सिचुएशन सिक्स माइनस थ्री, ओके, तो सिक्स माइनस थ्री में कितना डिफरेंस आएगा, थ्री डिफरेंस आएगा, ओके, स्टैचूज आई माइनस स्टैचूज आई माइनस वन कितना आएगा, थ्री आएगा. बट हमें कितने ऐड करने पड़ेंगे थ्री में, वी वॉन्ट टू ऐड ओनली टू नंबर्स, उसके बाद हमारा कंडीशन सेटिस्फाई होगा, मीन्स फाइव एंड सिक्स आएंगे, तो हियर वी विल टेक वी विल माइनस वन, जो भी डिफरेंस आया है उसमें से हमें वन माइनस कर देना है, ओके, सो काउंट हमने कर लिया, मीन्स जितने लगने वाले हैं, तो अभी प्रिंट कर देते हैं, रन करके देखते हैं. खैरियत पूछो कभी ना, ओके, व्हाट इज द थिंग, सो वी हैव टू रिटर्न दैट सी, ओके, रिटर्न सी. सो इफ यू हैव एनी अनदर कोड, इफ यू हैव एनी अनदर लॉजिक, यू कैन कमेंट इट डाउन. वन लाइनर में कोशिश कर लो भाई. तो चलो सबमिट कर देते हैं, आई थिंक इट शुड वर्क. सो ये वाला क्वेश्चन समझने में ट्रिकी था, क्या कोडिंग तो ईजी था बट क्वेश्चन समझने में ही टाइम लग रहा था. ओके, थैंक यू.